वेलकम व्यूवर्स माय नेम इज़ एसर मजर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंटेशन व्यूवर्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रेशर एंड एग्जांपल्स सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय अ फ्लूड इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ फ्लूड व्यूअर्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि फ्लूड की वजह से पैदा हो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी फ्लूड जो कि इक्विलिब्रियम में है यानी कि स्टेबल है तो बाय ग्रेविटी वो फ्लूड प्रेशर जनरेट करेगा यानी कि अगर हमारे पास कोई टैंक या वैसल या ड्रम है तो जब उसको वाटर के साथ फिल कर दिया जाए तो उस टैंक वैसल या ड्रम के बॉटम साइड के ऊपर हमारे पास प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे इसको हम जरा डिटेल से देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का हमारे पास फार्मूला है पी इज इक्वल टू रो जी एच पी हमारे पास प्रेशर है रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जी हमारे पास ग्रेविटी है और एच हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टैंक वन टैंक इज़ फुल देन ऑन बॉटम साइड ऑफ टैंक क्रिएटिंग प्रेशर दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर व्यूवर्स मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टैंक है तो जब हम टैंक को किसी भी प्रोसेस के साथ फिल कर दें तो टैंक के बॉटम साइड के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे क्योंकि जो हमारे पास प्रोसेस होगा यानी कि वाटर और एनी अदर थिंग वो इक्विलिब्रियम में होगा यानि कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा और वह एक जगह पर स्टेबल होगा तो टैंक की बॉटम साइड के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास टैंक है और इस वक्त हमारे पास गेज ज़ीरो रीडिंग शो कर रही है तो जैसे ही टैंक के अंदर प्रोसेस लिक्विड आएगा तो प्रोसेस लिक्विड की वजह से हेड प्रेशर क्रिएट होगा तो गेज हमारे पास रीडिंग शो करेगी कॉन्सेप्ट इफ़ वी हैव प्लास्टिक बॉटल एंड वेन वी फिल दिस बॉटल विद वाटर वी विल मेक थ्री होल्स ऑन दी वन साइड ऑफ बॉटल बॉटम मिड एंड टॉप एंड वी पुट द टेप वीवर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिटेल कॉन्सेप्ट यह है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्लास्टिक बॉटल है तो हम प्लास्टिक बॉटल की एक साइड के ऊपर तीन होल कर देते हैं मिड पे बॉटम पे और टॉप पे और हम टेप को पुट कर देते हैं इसके बाद हम इस बॉटल को वाटर के साथ फिल कर देंगे वेन वई रिमूव द टेप क्विकली दैन बॉटम साइड ऑफ द वाटर बॉटल हैव मोर प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड वाटर तो व्यूवर जैसे ही हम इस टेप को क्विकली रिमूव करते हैं तो इस वाटर बॉटल के डाउन साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा यानी कि जो वाटर का जेट होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा उसकी वजह लिक्विड की हाइट है यानी कि बॉटल के बॉटम साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास क्रिएट हो रहा है या आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास बॉटल है तो हम इसके बॉटम मिड और टॉप के ऊपर अगर तीन होल कर दें और इन तीन होल के ऊपर हम टेप को लगा दें और इस बॉटल को वाटर के साथ फिल कर दें तो जैसे ही हम टेप को रिमूव करेंगे बॉटम साइड के ऊपर वाटर का जेट हाई होगा इसी तरह मिड के ऊपर कम और टॉप के ऊपर मज़ीद कम होगा इसकी वजह यह है कि बाई ग्रेविटी और लिक्विड की हाइट की वजह से बॉटल की बॉटम साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से जो हमारे पास वाटर का जेट है वो बॉटम साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई मिला व्यूअर्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल यानी हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टैंक हाइट फाइव मीटर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब दैन हाउ वी विल कैलकुलेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फार्मूला हमारे पास पी इज इक्वल टू रो जी एच पी हमने फाइंड आउट करना है रो हमारे पास वन थाउजेंड के पर मीटर क्यूब है हाइट हमारे पास फाइव मीटर और जी हमारे पास नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्केयर है तो जब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रेशर हमारे पास फोर्टी नाइन थाउजेंड पास्कल निकल आएगा फोर्टी नाइन थाउजेंड पास्कल हमारे पास फोटी नाइन किलो पास्कल से पॉइंट वन पी एस आई और जीरो पॉइंट फोर एट बार के इक्वल है नेक्स्ट अब हम देखते हैं अनदर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टैंक हाइट टेन मीटर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज थाउजेंड के पर मीटर क्यूब देन हाउ वी विल कैलकुलेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो पी हमने फाइंड आउट करना है रो यानी कि डेंसिटी हमारे पास थाउजेंड के पर मीटर क्यूब है हाइट हमारे पास टेन मीटर और ग्रेविटी हमारे पास नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केल है तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रेशर हमारे पास नाइन्टी एट थाउजेंड पास्कल निकल आएगा नाइन्टी एट थाउजेंड पास्कल हमारे पास नाइन्टी एट किलो पासकल फोर्टीन पॉइंट टू पी एस आई और जीरो पॉइंट नाइन सेवन बार के इक्वल है व्यूवर ये था आज का लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग